तिथे हिरमडतो. वळूया पुढच्या सामन्याकडे. तिथे सज्ज आहेत राहुल बोईल, सिद्दीक भाभीजी, अजय घरत आणि ओमकार शेट्टे. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद संदीप मोरे. आप देख रहे हैं इस समय खासदार ट्रॉफी 2020. ये पांचवी रात का खेल है. जबरदस्त मौसम और जबरदस्त माहौल यहाँ पर बना हुआ है अंजोर के सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड पर. एवन जोड़ी के सम्माननीय सुकेश दादा को आप देख रहे हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर. उनकी टीम ने जबरदस्त कार्य किया, रोमांचक मैच में जीत दर्ज की और अब नया मैच आपके सामने. नक्षत्र 11 चौधरपाड़ा बनाम गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली. टॉस को जीता है चौधरपाड़ा टीम की कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है. नीलेश यादव पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं घनसोली टीम के सलामी बल्लेबाज विशाल और उनके साथ विजय. विशाल पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए अंपायर से गार्ड लेते हुए. एक रोमांचक मैच की उम्मीद इस मैच में सभी दर्शकों को है. दोनों भी टीमों ने एक एक मैच जीता है. घनसोली टीम के पास जबरदस्त बॉलिंग अटैक है वो पहले मैच में देखने को मिला और अच्छे बल्लेबाज भी हो उनके पास. 11 की 11 स्टार्स है कैप्टन ने टॉस में कहा था. दूसरी तरफ नक्षत्रा चौधरपाड़ा जो भिवंडी ग्रामीण की एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, बड़ी टीम है, अच्छे ऑलराउंडर से इस टीम के पास. पहली गेंद बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट खेला है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और तेज सिंगल. ये नज़दीकी मामला हो सकता था राहुल यदि गेंद स्टंप्स पर लगती तो. नाही, मी तर म्हणेल या क्षणाला हा एक रिस्की सिंगल आहे. खूप रिक्स घेतली धावेसाठी आणि महागात पडू शकला असता. या दरम्यान बासमनला देखील डायरेक्ट हिट झाला असता तर अंपायरने विचार नक्कीच केला असता. जी बिलकुल, तिसरे अंपायर की तरफ मामला जरूर जाता यदि डायरेक्ट हिट लगती तो. विशाल ने सिंगल लिया पहली गेंद पर. अब स्ट्राइक विजय के पास और इस बार इनसाइड एज. हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे ऑफसाइड में लेकिन गेंद चली गई शॉर्ट मिड विकेट पर. एक रन के लिए खाता खुलता हुआ इस सिंगल के साथ बैट्समैन विजय का भी. दोनों भी सलामी बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं. इस बार बैट का फेस अंतिम क्षणों में खोला है. रूम बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जगह बिल्कुल भी दी नहीं वहां पर नीलेश यादव ने. नीलेश यादव एक अनुभवी ऑलराउंडर है, ज़्यादा रफ्तार नहीं है लेकिन विकेट टू विकेट बॉलिंग कैसे करनी है अच्छी तरह से जानते हैं. ज़्यादा जगह देते नहीं है और इनके विरुद्ध तेजी से रन्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. बढ़िया गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश कर रहे थे. बल्लेबाजों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है. लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के यदि घनसोली की टीम के बल्लेबाज लगाते हैं तो उनके लिए 3,000 रुपयों का कैश प्राइज. संतोष पाटिल साहब की ओर से घनसोली से आए हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए, अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए उनका हार्दिक स्वागत. लेकिन अभी तक धीमी शुरुआत घनसोली टीम की. इस बार ऑन साइड में उठाने का प्रयास, हल्की सी अपील थोड़ी ऊंची लगी थी. बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर भी खेल रहे थे, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी मुझे लगता है कि वहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर हुआ था जब गेंद पैर पर लगी थी. जबरदस्त गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है. सदी हुई लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हुए नीलेश यादव आज ग्रामीण क्रिकेट के मुकाबले काफी लो स्कोरिंग हुए है. बेहतरीन गेंद, इस बार अपील और अंपायर की उंगली ऊपर, बैट्समैन आउट. लाजवाब कैच, विकेट कीपर ने किया है कमाल. परिठाने जिल्ह्याची शान घेऊन करतो म्याची जान. कपिल पाटील साहेबांना दिल्ली मध्ये होणार. गजब का कॅच, सैंडी विकेट कीपर की भूमिका में. ये खिलाड़ी इनको कहीं भी आप रखिएगा, विकेट कीपर की भूमिका में रखो, कवर में रखो, पॉइंट पर रखो, मिड विकेट बाउंड्री पर रखो, लॉन्ग ऑन पर, मैदान के किसी भी कोने में रखो सैंडी को. जबरदस्त फील्डिंग करते हैं, कैचिंग इन लाजवाब है. कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ सैंडी को, जबरदस्त फील्डर है और उतने अच्छे विकेट कीपर भी. पूरा श्रेय देना होगा यहाँ पर विकेट का, विकेट कीपर सैंडी को और नीलेश को भी जरूर श्रेय जाता है. काफी दबाव बनाया था उन्होंने विजय के ऊपर. 4 गेंदें खेली विजय ने आउट होने से पहले, केवल 1 रन बना पाए. खराब शुरुआत देखने को मिल रही है घनसोली टीम की. एक ओवर का खेल समाप्त, स्कोर
केवल 3 रन एक विकेट के नुकसान पर। घनसोली टीम के बल्लेबाजों के लिए पहले दो सिक्सर्स के लिए 500-500 रुपयों का इनाम दिया जाएगा विकास स्मृति 101 ग्रुप की ओर से, और नक्षत्रा के लिए भी इनाम है यहाँ पर पुष्पराज भंडारी साहब की ओर से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपयों का कैश प्राइज। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर अब शुरू होता हुआ। दूर वाले छोर से बॉलर तैयार होते हुए प्रतीक वाकड़े, पहले मैच के हीरो। करारा ड्राइव लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं। आसान सा कैच, कवर में कोई गलती नहीं। प्रतीक को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई दूसरा झटका लगाया यहाँ पर घनसोली टीम को। थोड़ा सा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। काफी जोरदार ड्राइव किया था लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम और आसान सा कैच कवर में। भूषण थे वहां पर, कैप्टन थे कवर में, उन्होंने कोई गलती नहीं की। और पारी शुरुआत से ही लड़खड़ा रही है घनसोली टीम की। गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली टॉस हारकर पहले बैटिंग करने पर मजबूर है। टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का फैसला लिया है नक्षत्रा के कैप्टन ने वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ। पहले ओवर में नीलेश ने बढ़िया शुरुआत दी और प्रतीक तो इस सीजन में गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त बॉलर है भारत के गेंदबाज प्रतीक वाकड़े। पहले मैच में 8 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे 2 ओवर में और मैन ऑफ द मैच रहे थे। रोमांचक मैच में जीत दर्ज की थी नक्षत्रा ने। भारत के बैट्समैन आए हैं, आते ही बैकफुट पर जाकर गेंद को टर्न किया है। बैकफुट स्क्वायर लेग पर थोड़ा सा मिसफील, सिंगल लिया है लेकिन डीप में से खिलाड़ी तेजी से आए हैं गेंद पर। एक ही रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। लगेच आज अपन पहतो 28 फेब्रुवारी 2020। तो आज राजेश तरे यांचा वाढदिवस आणि त्यांना वाढदिवसाच्या सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूरच्या संपूर्ण परिवारातर्फे या आयोजन समितीच्या वतीनं लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा। हॅपी बर्थडे टू यू राजेश तरे। जी हाँ, 28 फरवरी ये तारीख अब शुरू हो गई है। यहाँ पर घड़ी में 12:08 हो रहे हैं रात के, यानी कि नया दिन शुरू हो गया है। राहुल और निखिल की जोड़ी क्रीज पर है। निखिल ने सिंगल लिया है, राहुल अब अंपायर से गार्ड लेते हुए। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर, पार्टनरशिप बनाने की कोशिश जरूर होगी यहाँ पर। घनसोली टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी है, शुरुआत जरूर खराब रही है और कुल मिलाकर 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच है तो काफी समय बल्लेबाजों के पास है। तेज गेंद, फुल टॉस, ड्राइव कर दिया गैप में, बहुत ही सुंदर शॉट, 4 रन। लाजवाब स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद, कमजोर गेंद मिली, उसका फायदा उठाया राहुल ने। और एक और राहुल का शॉट है ब्यूटीफुल, लेकिन इस बार स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर आते हुए गेंद पर। तसेच बड्डे बॉय आमचे राजेश दादा यांना विनंती की आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे। एवन जोडीचे ते नक्कीच जवळचे खूप मित्र आहेत, त्यांना देखील विनंती की आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हा। आपल्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि आपण लगेचच मुख्य व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे। पुढचा बॉल यावेळी समोरच्या दिशेनं, फटका सुंदर आहे, खेळाडू दूरवरनं जातील मात्र चेंडू तिथे मात्र खेळाडूला बीट करून जाणार आहे सीमा पार या 4 धावा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस ओवर में। प्रतीक के ऊपर काउंटर अटैक किया गया है, पहली गेंद पर विकेट मिला लेकिन उसके बाद की जो 4 गेंदें की है उसमें 2 चौके देखने को मिले हैं, एक राहुल के बैट से और एक निखिल के बैट से। 10 रन अभी तक खर्च किए हैं। पावर प्ले में अभी भी एक गेंद शेष है। अच्छा पलटवार यहाँ पर दोनों भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों द्वारा।
नक्षत्र चौधर पाठक के विरुद्ध घनसोली टीम खेलती हुई, और सम्मानीय शेखर तुकाराम पाटिल जो घनसोली के शिवसेना शाखा प्रमुख है, उनकी ओर से पहले चौके के लिए 500 रुपये और पहले सिक्सर के लिए 1000 रुपये का कैश प्राइज। अगली गेंद लेकर प्रतीक लेफ्टार्म राउंड द विकेट, टर्न कर दिया ऑन साइड में बहुत खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जा रही है गेंद, एक और खूबसूरत चौका। खूप चांगला फटका आपल्याला पाहायला भेटला, अशा नटराज स्टाईल ना खूप सुंदर होता हा फटका, धावा देखील खूप चांगल्या आल्या। लागोपाठचा हा दुसरा चौकार आणि संघाचे एकूण जे धावसंख्या आहे स्कोर बरोबरती 17 धावा आहेत। दोन खेळाडू खूप लवकर बाद झाले, विशाल आणि विजय जे दोन्ही सलामीवर होते ते मात्र स्वस्थ्यामध्ये बाद झाल्याच्या नंतर मिडल ऑर्डरवरती जिम्मेदारी होती निखिलने, मात्र ही जिम्मेदारी घेतली आहे। त्याच्या संगतीनं राहुल जो चौथ्या क्रमांकावरती आला आहे त्याने देखील चांगली मात्र या दरम्यान बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे। जी बिल्कुल, एक मैदान में राहुल है, दूसरे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में राहुल है। राहुल भोईर ने भी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, जबरदस्त कमेंट्री उनके माध्यम से। 17 रन बने हैं पावर प्ले के खेल में। नेवर लेकर नीलेश जाधव आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में गजब की गेंदबाजी की, 3 रन मात्र खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किया। प्रतीक से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा थी लेकिन थोड़ा सा निराश किया राहुल प्रतीक ने, 3 चौके खाए अपने ओवर में। चांगली बैटिंग झाली मी तर म्हणेल, जे आपण शॉट बघितलं खूप सुंदर होते आणि खूप क्लासिकल ते फटके होते, क्रिकेटिंग फटके ज्याला म्हटलं जातं, सुंदर बैटिंग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में आती हुई यॉर्कर, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग भी, कोई रन नहीं, जबरदस्त गेंद और जबरदस्त क्षेत्ररक्षण यहाँ पर नीलेश जाधव द्वारा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अच्छे शॉट्स खेले गए, क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी हुई और इस विकेट पर खेलने का ये बहुत अच्छा तरीका है, आपके पास अच्छी टेक्निक है तो आप जरूर रन बना सकते हो। लोअर फुल टॉस इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी तेजी से गेंद पर आते हुए सफाई से फील्ड किया और अच्छा थ्रो भी, केवल 1 रन इस बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली टीम। काफ़ी दूर से ये टीम आई है और कैप्टन की प्रतिक्रिया टॉस में गजब की थी कि 11 बाइक लेकर ही जाएंगे ना, स्वप्न है प्रत्येकाच। मगाशी देखी आम्मी जेव ओपनिंग घेतला जेव टॉस झाला प्रत्येकी खेळाडू सांगतो की अप्रतिम अशी ही संकल्पना है, आमचं स्वप्न होतं एवढी मोठी स्पर्धा खेळणं, मी तर म्हणेल मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती प्रत्येकी टीमला असं वाटतं की आम्ही ही स्पर्धा खेळावी। जसं रतनबाव ट्रॉफी खेळण्यासाठी नक्कीच प्रत्येकाचा जो स्वप्न असतो ड्रीम असतो तो नक्कीच खासदार चषक खेळण्याचा मी तर म्हणेल प्रत्येकी टीमचा जो स्वप्न आहे तो नक्कीच इथं कम्प्लीट होत असा, आणि नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये घनसोली टीमचा हा स्वप्न कम्प्लीट झाला आहे मी तर म्हणेल। अजय करत इस बार शफल करते हुए खेळण्याची की कोशिश, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, स्वाभाविक बात है अंदर की तरफ गेंद का आना क्योंकि दाहिने हाथ से राउंड द विकेट अब बॉलिंग कर रहे हैं बायत के बैट्समैन के लिए नीलेश जाधव। कुछ ज़्यादा ही शफल कर चुके थे बल्लेबाज, गेंद स्टंप्स के ऊपर से मेरे ख्याल से चली गई डॉट गेंद। देखिए गेंद के मेरिट पर जब भी बल्लेबाजी हुई है बल्लेबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली है इस विकेट पर, लेकिन जब आड़े टेढ़े शॉट्स खेलने की कोशिश हुई है तो उसमें काफ़ी नाकामयाब हुए हैं बल्लेबाज। डेफिनेटली अच्छा गलत, ये गेंद दिशाहीन है लेग स्टंप के बाहर, अंपायर कोरक पाटिल का इशारा आता हुआ वाइट का, अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद आज रात का अंतिम मैच खेला जाएगा विला स्मृति राहणाल और इस मैच की विजेता टीम के बीच में कौन बनाकर बोलिंग करने की कोशिश, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन ये शॉट फंस गया है और विकेट का पतन, अच्छा कैच वाइड शॉट फाइन लेग पर निखिल लौटते हुए पेवेलियन में। पारी तो शिकंदा थी आगे ही पर्दा चर्चेत हफ्तार चशकात नावगाज क्रिकेट विश्वात हो चुके जाकी नीलेश पाटील यांच आयोजन तुफान आजकार कपिल पाटील चषक। थँक यू, दिस इज सुमानकीच चांगलं संगीत आणि यावेळेस ही गोलंदाजी जर आपण बघितली तर एक चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते निलेशच्या माध्यमातून, जो अनुभवी खेळाडू आहे। विलासमती राहणार संघाचा जर आपण विचार केला तर 2 टप टीमला मी तर म्हणेल या स्पर्धेतून बाहेर मी तर म्हणेल पाठवलं आहे, पहिली मॅच
खूप सुंदर जिंकली. प्रेरणा इलेव्हनला मुरबी संघाला हरवलं, जो रायगड डिस्ट्रिक्टचा एक अप्रतिम संघ आहे. आणि दुसऱ्या मॅचमध्ये सिटी क्रिकेटमधील एक नामवंत संघ, मी तर म्हणेल त्या टीमला मी तर म्हणेल डॉमिनेट करत असताना तो देखील सामना जिंकला. चांगली कामगिरी झाली आहे आजच्या रात्रीमध्ये विलासमधी राहणार टीम शहजय करत. जी बिलकुल, इस बार स्वीप कर दिया है खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर है वहाँ पर. अच्छा शॉट था ये, झाड़ू शॉट, एक रन मिलेगा. बहुत अच्छा ओवर साबित होता हुआ नीलेश यादव का. यहाँ पर निखिल ने कहीं ना कहीं सब्र खो दिया, धैर्य की परीक्षा थी. अच्छा स्टार्ट मिला था, दो चौके लगा चुके थे, थोड़ा और वक्त ले सकते थे. और वैसे भी ये विकेट बॉलर्स के लिए ज़्यादा साजगार है, तो एक लंबी पारी खेलने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज शॉट खेलने की कोशिश की और आउट हुए. अगली गेंद, इस बार लॉफ्ट किया है गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थोड़े दूर है गेंद से, बाउंस पर फील्ड करते हुए. फिर से एक रन यहाँ पर, ओवर थ्रो का क्या रन मिलेगा, जी नहीं, एक से ही संतुष्ट होना पड़ा है दोनों भी बल्लेबाजों को. स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. या मॅचमध्ये जर आपण बघितलं गेलं तर दोन्हीही टीम चांगल्या खेळतात, आणि पहिला जो विजय संपादन केला नक्षत्र सौदरपरा टीमने त्याच्यामध्ये तर मोठा संघर्ष केला, मोठा म्हणे तर खूपच मोठा संघर्ष, कारण का एवढ्या धावा नव्हत्या, समोरचा संघ एक चांगला होता, आणि शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच आली होती, म्हणजे त्या सामन्यामध्ये आपण म्हणू शकाल चांगली गोलंदाजी झाली. मात्र तेव्हा मी तर म्हणेल शेवटच्या बॉलपर्यंत, शेवटच्या बॉलवरती मॅच आली नव्हती, मग तर शेवटच्या विकेटपर्यंत मॅच आली होती. मग तर या मॅचमध्ये गोलंदाजी चांगली आता मात्र इथं झाली, तर सेकंड इनिंगमध्ये बॅटिंग देखील मात्र या दरम्यान चांगली नक्कीच करावी लागेल. पेनचा संघ नक्की जिथे होता, जितू आई नक्कीच जिते संघाला मात्र डॉमिनेट केलं होतं. पहिल्याच मॅचमध्ये चांगला सामना जिंकला होता, मात्र रप अँड टप ती मॅच झाली होती असे करत. जी बिलकुल, जिते मॅच नाही जिते, लेकिन उन्होंने दर्शकों के दिल जरूर जीते. अच्छा खेले वो भी, एक से बढ़कर एक मुकाबले, यही तो खासियत है खासदार चषक की. खासदार चषक का यह दूसरा सीजन है, अभी तक कोई भी मैच टाई नहीं हुआ है, ये खासियत रही है इस खासदार ट्रॉफी की. लेकिन अभी भी काफ़ी क्रिकेट होना बाकी है. नेवर की शुरुआत, अजय की गेंद लगभग फुल टॉस थी लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए, और फिर अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे. शायद थोड़ा सा इशारा भी अंपायर को कर रहे थे कि वाइड है. देखिए बल्लेबाजों के लिए सूचना है कि अंपायर की तरफ किसी भी तरीके का इशारा नहीं करना है, बिल्कुल प्रोफेशनल अंपायर से इस टूर्नामेंट में. ना अंपायरला जे वाटेल ती योग्य आहे, कारण का अंपायर जो डिसिजन देईल ना तो मात्र अंतिम असेल, तिथे आपण चर्चा तुम्हाला करायची नाही किंवा अंपायरला कुठल्या प्रकारचा इशारा करायचा नाही आहे. अजय केकली गेंद, इस बार उठा के खेल दिया, मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, और बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच, चौथे विकेट का पतन. उमेश जो संघाचा संघनायिका होता तो मात्र या दरम्यान बाद झाला आहे. टीमचा मुखिया ज्याला म्हटलं जातं प्रमुख, जसा गावाचा प्रमुख सरपंच तसा टीमचा प्रमुख असतो तुमचा टीमचा संघनायक, आणि पहिल्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच होता, मात्र या मॅचमध्ये अपयश नक्की झालं आहे उमेशला. जी बिल्कुल, उमेश को मॅन ऑफ द मॅच का अवार्ड मिला था, लेकिन मेरे ख्याल से जो बॉलिंग की थी शौकीन ने वो भी मॅन ऑफ द मॅच के हकदार थे, बढ़िया प्रदर्शन रहा था. फुल टॉस है हवा में और ये कैच ड्रॉप, कप्तान द्वारा गलती, गेंद जा रही है डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, चार रन. मौका भी दिया नीलेश पाटिल यंत्र आयोजन तूफान, आजकार कपिल पाटिल चषक ठाणे जिल्ह्याची शान. द ग्रेट एमपी ठाणे, मौका भी दिया और चौका भी दिया, इतना खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला भेटलं. शेखर तुकाराम पाटील यांच्या माध्यमातून पारितोषिक आहे, प्रत्येकी चौकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक, आणि प्रत्येकी षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. जे गणसुलीचे शिवसेनेचे नक्की शाखा प्रमुख आहेत त्यांच्याकडनं हा पारितोषिक गणसुली टीमसाठी, जे नवी मुंबईवरनं हा संघ येतं नक्कीच दरम्यान दाखल झाले, नक्की चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. एक और फुल टॉस, इस बार क्या फील्डर को मौका मिलेगा रोकने का, जी बिल्कुल मिलेगा, ये पूरी तरह से गैप ढूंढ नहीं पाए, हालांकि गैप तो पिछली बॉल पर भी नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन गैप दिया था फील्डर ने, कवर में गलती हुई, कैच छूटा और चौका मिला. रन्स आने जरूरी है, रन्स कैसे भी क्यों ना आए, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है,
गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली टीम बल्लेबाजी कर रही है नक्षत्रा एंटरप्राइजेस सौदरपाड़ा टीम के विरुद्ध। 50 टार्गेट असावा, 50 पर्यंत जर धावसंख्या गेली तर एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना नक्कीच पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाहीये। यस अजय, अजय की अगली गेंद ऑन द राइज, गेंद हवा में और फील्डर गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच। युवाने ते बबलू शेट ते घेतील सरंच भेट, महाराष्ट्र प्रदेश युव मोर्चा उपाध्यक्ष नंबर एक, उपाध्यक्ष नंबर एक, उपाध्यक्ष नंबर एक। युवाने ते बबलू शेट ते घेतील सरंच भेट, महाराष्ट्र प्रदेश युव मोर्चा उपाध्यक्ष नंबर एक। कपिल पाटील आहे राजा त्यांच्या नावाचा गाजा वाजा, कपिल पाटील आहे राजा त्यांच्या नावाचा गाजा। चांगला झेल महेंद्रच्या माध्यमातून, कारण का हा झेल घेणं सोपं नाहीये मी तर म्हणेल, जेव्हा तुम्ही दिवसा खेळता तेव्हाचा मी तर म्हणेल, तेव्हा मात्र नक्की सूर्यच्या प्रकाशामध्ये तुम्ही घेत असाल, आता बघतो आपण विद्युत प्रकाश तुम्ही नक्कीच ही स्पर्धा घेता। झेल घेणं सोपं नसतं, चेंडू जेव्हा हवेत जातो तुमचा जजमेंट, चेंडूवरती नजर, लक्ष या खूप महत्त्वाच्या आहेत। म्हटलं जातं नजरअती दुर्घटना घडली, तुम्ही एक क्षण जरी चेंडूला मात्र मिस केलं तर नक्कीच तिथे मात्र झेल ड्रॉप होऊ शकेल। जी बिलकुल, बाउंड्री का भी ध्यान रखना था महेंद्र को, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, इस बार वाइट का इशारा, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी गेंद, अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर घनसोली टीम को, रन संख्या अब 27, 5 विकेटों के नुकसान पर, नियमित अंतराल पर विकेट्स गिर रहे हैं जिस वजह से जो पहले दो ओवर्स में अच्छे खासे रन्स नजर आ रहे थे उन पर भी थोड़ी सी रोकथाम लग गई है। स्विच इट और इस बार भाग्य का सहारा, गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, महत्वपूर्ण चौका। थोडासा वेग कमी घ्या प्लीज, थँक्यू डीजे। संघाची धावसंख्या आहे 31 धावा, शेखर पाटील यांच्या माध्यमातून बघतो आपण प्रत्येकी चौकारासाठी 500 रुपये, प्रत्येकी षटकारासाठी 1000 रुपये आहेत। शिवसेनेच्या नक्की शाखा प्रमुख दिला आहेत घनसोली विभागातील, नवी मुंबईचा हा संघ इथे दाखल झाला आहे आणि चांगली कामगिरी, नक्कीच कॅप्टनने सांगितल्याप्रमाणे आमचं लक्ष आहे या स्पर्धेमध्ये, आम्हाला 11 बाईक मात्र या जिंकायच्या आहेत आणि नक्कीच तुम्हाला हा समालोचन कक्ष पाहायला मिळेल, सुंदर दृश्य आणि नीटनेटकेपणा पाहायला मिळतो आणि त्याच्यानंतर हा मात्र तुम्हाला शोरूम पाहायला मिळेल, हा शोरूमच आहे अजय गरत। ये विजेता हो काय शोरूम, कौन बनेगा विजेता 5 मार्च को समझ में आएगा, 5 मार्च की रात बड़ी खास होगी खासदार चषक में, वैसे तो हर रात खास है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है क्योंकि सन्मान्य खासदार साहब अर्थात माननीय श्री कपिल पाटिल साहब का जन्मदिन भी है ना। असं करत मी तर म्हणेल, मी पहिल्यांदाच हा शोरूमचा बाईक बघितला आहे समालोचन करत असताना माझ्या या कारकिर्दीमध्ये, काय सांगशील असे करत या शोरूमबद्दल, जी आयोजन एवन जोडीचा क्लास दर्जेदार, कुठल्याच गोष्टीची कमी नाही स्पर्धेमध्ये। बिलकुल, एवन जोडी का एवन शो, यावेळेस पाठवलं चेंडूला सरळ हुकच्या माध्यमातून, राणे साहेबांना नक्कीच हाय आई नक्कीच सलामी, धावा देखील चांगला मिळतील, दमदार आहे फटका, येतोय खास षटकार। एवन एवन की और इस चर्चा में एवन शॉट भी तो देखने को मिला, शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत बढ़िया पोजीशन में आ गए थे अर्जुन, हुक कर दिया गेंद को और गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, इस मैच का पहला सिक्सर। अच्छा रात्री दिला सर्वात चांगला फटका, सब का टाइमिंग होता बेमिसाल टाइमिंग, हा फटका खेळण्यासाठी टाइमिंग महत्त्वाची आहे आणि एक आजोबाचं पारितोषिक देखील शेखरजी पाटील यांच्याकडनं जा तो आहेच कंटिन्यू असेल, तो जेव्हा षटकार येईल तेव्हा हा पारितोषिक असेल चौकारासाठी देखील। पुढचा चेंडू डिफेन्स करत असताना संयमा नगर गेट, चांगल्या खेळाडूची ही वैशिष्ट्य आहेत, एक षटकार आपल्याला आला आहे आता मात्र प्रत्येकी बॉलवरती षटकार येणार नाही, कारण प्रत्येकी बॉलवरती दिवाळी दसरा नसतो, बंपर प्राईज रोज नसते, ती कधीच तरी असते अजय गरत आणि इथनं ही सिंगलच्या मध्ये त्याने संघाची धावसंख्या एकनं पुढे गेली।
बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी है ये, एक बड़ा शॉट खेला कमजोर गेंद पर, अच्छी गेंद आई तो उसको थोड़ा सम्मान देते हुए खेला और स्ट्राइक को रोटेट किया, तो ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। बढ़िया बैटिंग करते हुए अर्जुन और राहुल, राहुल की खासतौर पर मैं तारीफ करूंगा, 3 चौके लगा चुके हैं, 16 पर बैटिंग कर रहे हैं, एक छोर संभाला है और अच्छे शॉट्स लगाए हैं। खूपच उंच आहे खेळाडू वाट बघताय, झेल तिथं पकडलाय, बस म्हणला पडता मला गेल मैदानाच्या बाहेर, महत्वाची विकेट महेंद्र मात्र हा झेल पकडलाय, बसमन आउट झालाय मैदानाच्या आतमध्ये। या दरम्यान राहुल मात्र बाद झाला आहे, नक्कीच राहुल विषयी चर्चा करणार होतो मात्र आता बाद झाला आहे, चर्चा नकोय, जाऊया डीजे कडे। तारीफ तो की थी मैंने राहुल की, लेकिन ये होता है कई बार कमेंटेटर जिस खिलाड़ी की तारीफ करता है वही खिलाड़ी थोड़ा सा गलत खेल दिखा देता है, गलती कर देता है, यहाँ पर गलती हुई, ज़्यादा ऊपर खेल बैठे, आउट हुए छक्का लगाने के चक्कर में, कमेंटेटर्स कर्स। नहीं अक्षणाला शॉट खूप सुंदर होता मात्र चेंडू जास्त उंच गेला, हाइट जास्त ज्याला म्हटलं जातं, उंची जास्त आणि मग लांबी कमी असं म्हटलं जातं, आणि इथं जास्त उंच चेंडू गेला कारण हा झेल पकडला गेला। स्कोरबोर्डवरती धावा आहेत 38 in both, 50 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल, 50 धावा जर झाल्या 50-55 तर एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल। मात्र विलासमती राणा संघ कुठल्या टीमशी वाट बघतोय अजय? नाही बल्लेबाज आशिष आहे हे उनको देखने के बाद ऐसे लगता है की WWE का मॅच हो रहा है। फोलर लेन चेंडू चांगला आहे, सुंदर गोलंदाजी, हा चेंडू मी तर म्हणायला बॅट्समनला धोका देणारा, बॅट्समनला दगा देणार हा चेंडू नक्कीच आपल्याला पाहायला भेटला, आणि चांगली गोलंदाजी इथं पहिला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। अजय वैसे आशिष वेस्ट इंडीज के कॉर्नवेल की भी याद दिला देते हैं, भारी भरकम शरीर है, तगड़े प्रहार क्या कर पाएंगे, जरूरत है बड़े शॉट्स की, स्कोर इस समय 39 run 6 wickets के नुकसान पर। खूप चांगला चेंडू होता हा, जी बिल्कुल फुलर लेन म्हटलं की हा चेंडू आता मात्र जास्त मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, मात्र या बॉलवरती फटका आहे, मात्र तो कसा आहे आपण या चेंडूनंतर त्याचं वर्णन करू। बाकवूडला जाऊन सापट मारली चेंडूला, खेळाडू मात्र उपस्थित आहेत, फटका बघा किती सुंदर होता, मात्र जसे खेळाडू आहेत तसा हा फटका देखील एक मधुर आवाज आपल्यापर्यंत देखील आला, आणि एक चपराक देखील आपल्याला पाहायला भेटली, चेंडूला चापटवलाय असं म्हटलं जाईल मैदानाच्या आतमध्ये। क्या बात आहे, बिल्कुल सही वर्णन किया है आपने, बड़ा ही तगड़ा प्रहार किया था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, वहाँ पर डीप में खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ेगा इस स्ट्रोक के बाद। पहली गेंद का सामना किया इस पारी में आशीष ने, खाता खुला है उनका, अब स्ट्राइक अर्जुन के पास, पुरसा बॉल समोर देशन, खूप सुंदर फटका आहे जेणेकरून नक्कीच लेदर क्रिकेट सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये। बाकवूडला जाऊन अपीश खेळले सर रिप्लेमध्ये, हा नक्कीच मी त्या मानेला विनंती आमच्या ऑपरेटरला की हा फटका दाखवावा, किती सुंदर फटका होता, बाकवूडला जाऊन शॉटसाठी जागा बनवली, अपीश खेळले समोर मात्र कव्हरच्या दिशेनं, या संघाची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती 41-7। तुम्हाला रिप्ले पाहायला भेटला, स्लो मोशनमध्ये अप्रतिम फटका आहे अजय सर, थोडासा बॅकफूट पर जाकर खेला उन्होंने। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये खिलाड़ी लेदर क्रिकेट भी खेलते होंगे गणसोली के, जिस तरह से उनकी बैटिंग और बॉलिंग देखने को मिली है, 12वें खिलाड़ी से पूछ लेते हैं, जी नहीं खेलते हैं लेकिन फिर भी क्लास अच्छा है, ऊंचा क्लास देखने को मिल रहा है, खासतौर पर राहुल के भी हमने जो चौके देखे क्लासिक चौके थे, निखिल के 2 चौके खूबसूरत थे और उसके बाद अर्जुन का सिक्सर देखने लायक था, तो 5 चौके 1 सिक्सर लगा है, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 41, गणसोली टीम बॅटिंग कर रही है यहाँ पर टॉस हारने के बाद चौधरपाडा टीम के विरुद्ध। नाही 41 धावा स्कोरबोर्डवरती, तुमच्याकडे ताकदच आहे, मात्र त्या ताकदीचा वापर तुम्हाला कुठं करायचा आहे म्हटलं जातं, नक्कीच ताकदीनंच तुम्हाला मात्र कुठलाही खेळ जिंकता येणार नाही आहे, डोक्याने जर तुम्ही खेळ केला तर नक्की जिंकू शकाल, आपण मास स्पीडअप करायची नम्रतेची विनंती, आपण जास्त वेळ खर्च करू नका, तुम्हाला जो मात्र वेळ दिला आहे त्या वेळावरती तुम्हाला मात्र मॅच कम्प्लीट करावी लागेल, खास चषकाची खासदार चषकाची मात्र ही एक महत्त्वाची सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय, तुम्ही मात्र वेळ कमी खर्च करायचा आहे। संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती 1 आपण 5 ओव्हरच्या अखेर 41, शेवटचा अंतिम षटक बाकी आहे, या षटकामध्ये मात्र बघा किती धावा येतात, शेवटचा अंतिम आहे, या दरम्यानचा षटक समोर खेळलेत, खेळाडू तिथे उपस्थित आहेत, चेंडूची उचलून फेक केली जाईल, दरम्यान इथं एकच धाव मिळते, प्रतीक आहेत शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये, एका धावेच्या मदतीने संघाचे धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती 4 for 2 42। 5 गेंदे शेष है, 5 गेंदों में 8 रन भी बनाते हैं तो 50 का आंकड़ा छू पाएंगे और 50 रन भी बनाते हैं तो
जितने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं गंसोली टीम के। शौकीन जैसे खतरनाक बॉलर है, उनके पास गेंद को घुमाते हैं। विजय भोईर अनुभवी गेंदबाज है, साथ में उमेश कप्तान खुद अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है। नक्षत्र सौदर पड़ा संघाला देखिए विसरून जमणार नाही आहे। पहिल्या मॅचमध्ये अपयश जरूर आला असेल, या मॅचमध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न। ऑनसाईडला चेंडू डीपमध्ये ग्राउंड शॉट आहे, आउटफील्डमध्ये जेव्हा जेव्हा चेंडू जातो तेव्हा तेव्हा सिंगल डबल धाव येते, मात्र आउटफील्ड इतकी सुंदर बनवली आहे जेवढं आयोजकांचं कौतुक करतो तेवढं कमी आहे। कारण की बघतो आपण चेंडू जसा आउटफील्डमध्ये येतो तेव्हा खूप वेगाने जातो आणि एक चांगली आउटफील्ड आपल्याला पाहायला मिळते खासदार चषकामध्ये। अजय जी बिलकुल, यहाँ पर स्ट्रोक्स की पूरी व्हॅल्यू मिळती आहे बल्लेबाजों को। आपकी टाइमिंग अच्छी है, गैप में खेलते हो तो जरूर चौका मिलता है आपको, इतनी बढ़िया आउटफील्ड है। स्कोर इस समय 43, 43 रन चार गेंदे शेष है। प्रतीक का दूसरा ओवर है, पहले ओवर में महंगे साबित हुए, 14 रन खर्च किए थे। हाफ ट्रैकर आए मात्र चेंडू खाली राहतो, चेंडू जेव्हा पडला तेव्हा नक्की बास्मन्न अशी अपेक्षा होती की थोडासा मात्र चेंडू बरोबर टेका बॉल बरोबर माझ्या बॅटच्या रडारमध्ये मी ऑनसाईडला खेळ, मात्र हा चेंडू खाली राहिला, सबमरीन डिलिव्हरी ज्याला म्हटलं जातं, खाली राहतो चेंडू पडल्याच्यानंतर। चांगली गोलंदाजी, यही तो मिजाज रहा है पूरे टूर्नामेंट में इस विकेट का। आउटसाइड एज आहे आणि नशिबाशी साथ आहे या क्षणाला, मी तर म्हणेल हा नशिबाचाच चौकार आहे। कारण का कीपरला या दरम्यान असं वाटलं की चेंडू बरोबर बॅटला मिडलहून बॅकफुटला जाऊन पॉइंटला नक्कीच हा चेंडू जाईल, मात्र आउटसाइड लागून निलेशला बीट करून चेंडू डायरेक्टली मतलब मुख्य व्यासपीठा समोर आला आहे। सलामी आहे आमच्या नक्की सर्व मान्यवरांना चौकार। काफी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं प्रतीक वाकड़े, और गति यदि आपकी दोस्त है तो दुश्मन भी बन सकती है, वही देखने को मिला। शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी फाइन भी था लेकिन फिर भी नहीं मौका। या वेस अपील आहे स्ट्रांग आणि अंपायर देखील सांगतात बॅट्समन आउट। एलबीडब्ल्यूच्या माध्यमातून परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर। चांगली बॅटिंग सुरू होती मात्र डाव कंप्लीट, आता मात्र येतं कदाचित झाला आहे का। पण जाऊया आमचे मुकादमकडं, एक चेंडू शिल्लक आहे अजूनही, एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे। स्क्रीनमध्ये नक्की तुम्हाला रिप्ले पाहायला मिळेल। जीटीस आहे दूध का दूध और पानी का पानी। जी बिल्कुल, और देखिए मैं गति की बात कर रहा था, इस बार भी गति का ही उपयोग किया है बॉलर ने, रफ्तार में बीट किया बैट्समैन को। क्रॉस बैटेड शॉट हवा में उठाकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में पूरी तरह से चूक गए और स्टंप्स के सामने पाए गए बैट्समैन अर्जुन। अच्छी बल्लेबाजी की अर्जुन ने अपनी टीम के लिए, एक चौका लगाया एक सिक्सर लगाया और कुल मिलाकर 14 रनों का योगदान दिया। एक बैट्समैन 14-15 रन बनाता है इस विकेट पर अपनी टीम के लिए तो अच्छा योगदान माना जाएगा। 16 रनों की अच्छी पारी राहुल ने खेली थी जो कि टॉप स्कोरर है इस पारी में। 9 रन बनाए निखिल ने, अभी भी एक गेंद पारी में शेष है, महत्वपूर्ण गेंद रहेगी। रन संख्या 47, 7 विकेटों के नुकसान पर। संघाची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती 47। हा चेंडू अजय घरत खूप महत्वाचा आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट। विशाल स्ट्रायकिंग इनला, ऑन साइडला हाफ ट्रॅकर आहे, फटका खेळलेत, डीप मध्ये गेला चेंडू, खेळाडू उपस्थित आहे। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावायचा आहे, मात्र इथनं बसमनला एकच धाव हवी होती मी तर म्हणेल, जेणेकरून ते धावले नव्हते। आणि एकूण पहिला डाव कंप्लीट झालाय, पहिल्या इनिंग मध्ये बनवल्या गेल्या 48। बॅटिंग करत असताना चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये। या दरम्यान कावदेवी स्पोर्ट्स गणसोईच्या माध्यमातून एक इनिंग कंप्लीट झाली आहे आणि संघाची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्डवरती 48, 49 टार्गेट। मॅच रप अँड टप होईल याच्यामध्ये शका नाही आहे, मात्र नक्षत्र 11 सौदरपाडा संघ कसं खेळतो या मॅचमध्ये हे देखील बघणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे या पुढच्या डावामध्ये। येस अजय जी बिल्कुल, नक्षत्रा की बल्लेबाजी का जहाँ तक सवाल है, लंबी बल्लेबाजी है उनके पास। पिछले मैच में ज़रूर बल्लेबाजी थोड़ी फ्लॉप रही थी, गिरते पड़ते मैच को जीता था, एक विकेट से मैच जीता था उन्होंने, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास। नीलेश यादव हरपन मौला खिलाड़ी है, बढ़िया ऑलराउंडर, साथ में योगेश कोहली जो है उनकी टेक्निक देखने लायक है, क्लासिकल अंदाज में बैटिंग करते हैं, इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बढ़िया खेलते हैं, तो वो भी एक खतरनाक बल्लेबाज है। प्रतीक अच्छे ऑलराउंडर है, साथ में देखा जाए तो सैंडी का अनुभव काम आ सकता है, तो कई अच्छे नाम है इनके पास, तजुर्बेकार खिलाड़ी भी है और युवा खिलाड़ी भी अच्छे है, अच्छा मिश्रण है बल्लेबाजी में भी। अच्छा अपन जर रात्रीचा विचार केला तर अच्छा रात्रीमध्ये लो स्कोरचे मॅचेस खूप चांगल्या रंगल्यात, काही अशा मॅच आहेत त्या मात्र वन साइड झाल्यात। आपण पोटी प्लेशी देखील मॅच बघितली, ती शेवटच्या बॉलपर्यंत आली होती, म्हणजे अच्छा रात्रीमध्ये आपल्याला सर्वच्या सर्व मॅचेस खूप चांगल्या पाहायला भेटल्या आहेत। मात्र ही मॅच कशी असेल, कारण का इथलं मात्र विलास मोती राणा संघ कुठल्या टीमसोबत खेळणार आहे, या 6 षटकामध्ये म्हणजे अर्थातच 30 ते 35 मिनिटामध्ये आपल्या समोर लगेचच चित्र नक्कीच आपल्याला मात्र क्लिअर होईल। आमचा हा मुख्य व्यासपीठ तुम्हाला बरोबर आम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल।
एक अप्रतिम अशी संकल्पना स्क्रीनवरती. आमचे मान्यवर यवन जोडीचे सर्वच शिलेदार, त्यांचा मित्र परिवार, सातत्यानं त्यांच्यावरती असलेलं असलेलं मित्रांचं प्रेम आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि सर्वच सर्व व्यासपीठ मात्र गजबजून भरलं आहे या खास ट्रॉफीला, अर्थातच खासदार चषकाला भेट देण्यासाठी आले आहेत. तमाम सर्वांचंच नक्कीच हार्दिक स्वागत आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला जे ऐकतायत त्या सर्वांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून दर्जेदार स्पर्धा आहे, खासदार ट्रॉफी पाहायला मिळते आपल्याला. आणि सर्वांचंच या खासदार चषकाच्या माध्यमातून एवन जोडीच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. तो अब बल्लेबाजी शुरू हो जाएगी यहाँ पर नक्षत्रा एंटरप्राइजेस सौदरपाड़ा टीम की. 49 का टारगेट है, वैसे देखा जाए तो टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8.17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं. लेकिन परिस्थितियाँ देखते हुए, सामने वाली टीम की बॉलिंग देखते हुए, ये कतई आसान होने वाला नहीं है. जहाँ तक बल्लेबाजी है उसमें हम देखने वाले हैं कि संदीप भी है, महेंद्र भी है, दीपक भी है, ये नाम भी महत्वपूर्ण है. और विशाल बायत के बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है. पिछले मैच में हमने देखा था कि संदीप और महेंद्र सलामी के लिए आए थे. अब देखना है क्या वही जोड़ी आती है या फिर ओपनिंग पेयर में कोई परिवर्तन होता है. तर चला आपण थोडासा वेळ कमी घ्या आणि या सामना आपण लगेचच सुरू करूया. की सांगितल्याप्रमाणे अजयने की मॅच सुंदर आपल्याला चांगलीच पाहायला मिळेल. 6 चौकार आणि 1 षटकार म्हणजे एकूण 4,000 रुपये या दरम्यान नक्कीच मी त्यामध्ये 4,000 पारितोषिक आहे सन्मान्य शेखरजी पाटील यांच्या माध्यमातून. घनसोली टीमसाठी हा पारितोषिक होता, तो आम्ही लगेचच मॅच संपल्याच्या नंतर हा पारितोषिक या दरम्यान देणार आहोत. मात्र डिक्लेअर तर झालं आहे, पारितोषिक आम्ही मॅच संपल्याच्या नंतर देणार आहोत. तर लगेच जाऊया आपण माझ्या दिशेनं कशा असतील या दरम्यानचे 3 षटकं. पुन्हा एकदा आमच्यासोबत अजय गरजचे जॉईंट आहेत, अप्रतिम समालोचक ते करत आहेत. मग ते हिंदी असेल, इंग्लिश असेल, आपली मातृभाषा नक्कीच मराठी असेल, सातत्याने ते चांगलं समालोचन करत आहेत. आणि सदाबहार कॉमेंटर राहतात आमचे अजय गरज यांच्या माध्यमातून 3 षटकं ऐकूया. पुन्हा एकदा आम्ही 3 षटक तुमच्यासोबत जॉईंट असणार आहोत. जॉईंट समालोचन तुम्हाला नक्कीच ऐकायला मिळेल. ओव्हर टू यू अजय गरज. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भोईर. राहुल आज काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे देखा जाए तो कमेंट्री करने के लिए. वैसे तो हर रोज़ यहाँ पर हमने आनंद उठाया है, लेकिन आज लो स्कोरिंग मैचेस में कुछ ज़्यादा ही मनोरंजन दर्शकों का भी हो रहा है. पहला ओवर लेकर बायत के गेंदबाज विजय भोईर तैयार होते हुए, सलामी बल्लेबाज संदीप और महेंद्र. महेंद्र के पास स्ट्राइक, हाफ वाली, बढ़िया ड्राइव, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर. अच्छा शॉट पहली गेंद पर, रन हालांकि एक ही मिला है, लेकिन अच्छी शुरुआत करते हुए महेंद्र. सिंगल ना या दरम्यान स्ट्राईक रोटेट केली आहे. पहिल्या षटकामध्ये जेव्हा नक्कीच तुम्ही उतरता पहिल्याच बॉलपासून आक्रमण करणं असं नाही आहे. मात्र सिंगल धाव मी तर म्हणेल चांगलं क्रिकेट, संयम आणि आता आपण परिस्थिती बघूया आणि नंतर सुरुवात करूया. आता सुरुवात केली आहे धावांचा, श्रीगणेश नाडल फोडला आहे. मात्र बघूया विजय कोणाचा होईल पुढे आपल्याला पाहायला मिळेल. बहुत अच्छी गेंद इस बार, टप्पा पडने के बाद तेजी के साथ निकल गई, टर्न होती हुई गेंद थी. जो एंगल क्रिएट करते हैं विजय बॉलिंग में वो बहुत मुश्किल है. लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, दाहिने हाथ के बैट्समैन सामने है, हवा में गेंद अंदर आती है, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है, तो उसको खेलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एक बार फिर से विजय, इस बार ओवर पिच ड्राइव की, हवा में सीधे बैट से और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने लिया है. शानदार कैच, अद्भुत कैच, बहुत ही सुंदर कैच, विशाल ने किया है कमाल. क्या बात है, अप्रतिमशील नक्की. जसं संघनायकाने मी तर म्हणेल सांगितलं आहे त्यांच्या जेव्हा टॉसमध्ये आम्ही चर्चा केली की आम्हाला मात्र या बाईक जिंकायच्या आहेत. आणि जो आता खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो इथनं एकही चुकी त्यांना करायची नाही आहे. गावदेवी घनसोली संघ आता मात्र पूर्णच्या पूर्ण रणनीतीमध्ये इथं उतरला आहे. हा झेल अवघड होता, कारण का क्रिकेटमधील मी ते म्हणजे सर्वात सेफ फटका आहे. बॅक टू द बॉलर हिट, समोर क्षेत्ररक्षक नव्हता. मात्र या दरम्यानचा बघतो आपण मिड ऑफचा खेळाडू बरोबर दूरवरून जाऊन हा झेल पकडला. काय पारितोषिक आहे शेखरजी पाटील आणि संतोषजी पाटील यांच्या माध्यमातून. विकेटच्या हॅट्रिकसाठी पारितोषिक आहे. या दरम्यान रोख रक्कम 3,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि संतोष पाटील यांच्याकडनं 2,000 रुपये. अच्छा, एकूण 5,000 रुपयाचं पारितोषिक विकेट अटिकसाठी संधी आहे. या दरम्यान प्रत्येकी गोलंदाजाला गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली टीमच्या. शुरुआत अच्छी की है गेंदबाज ने,
एक और बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। इस तरह की बॉलिंग बहुत कम देखने को मिलती है। गजब की गेंदबाज है विजय, जो अनुभव है उनके पास वो पूरा इस्तेमाल में ला रहे हैं। पहले मैच में भी, दोपहर में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। 52 एज, 52 वर्षाचा नकीसा खेळाडू, काय गोलंदाजी आहे, अनुभव किती आहे वर्षाचा, लाजवाब। गेंद उनके हाथ से छूट रही है, तभी पता चल रहा है कि खेलना मुश्किल होगा। अच्छा शॉट था लेकिन इस बार खराब थ्रो, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। बैकअप करने के लिए फील्डर पहुंचे जरूर है, लेकिन एक अतिरिक्त रन वहां पर बैट्समैन को मिलता हुआ, कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद पर। फील्डिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, आपने 48 रन बनाए हैं, ऐसे नहीं कि आपने 6 ओवर में 80 रन बनाए हैं तो 1-2 रन आपने फिजूल के खर्च किए तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर 1-1 रन की लड़ाई है। नहीं ना, आता मात्र इतना 1-1 धाव ही खूप महत्त्वाची आहे, कारण का या मॅचमध्ये जर विचार केला तर इथे आहे सुपर ओव्हर, इथे नाही आहे चेसिंग, इथे नाही आहेत विकेटचा विचार, इथे सुपर ओव्हर जो इंटरनॅशनल नियम लागू केला गेला आहे खासदार ट्रॉफीच्या माध्यमातून। इस पर आगे रखी हुई गेंद हवा में और आउट, बहुत अच्छा कैच मिड ऑन पर, एक और करारा झटका लगता हुआ नक्षत्रा एंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा टीम को, 3-2। क्या बात है, संगीत तर सुंदर आहे, साहेबांबद्दल जेवढं मला नक्कीच तेवढं कमी, आपल्याकडे शब्द अपुरे असतील, त्यांचं कार्य मोठं आहे। आणि जशा नक्कीच या गाण्यामध्ये मी तर म्हणेल चे वर्णन केलं, भल्या भल्याने पाजलं त्या नक्कीच मी तर म्हणेल पाणी मानली नाही कधी हार। आणि जसा हा जो खेळाडू गोलंदाजी करतोय, वय वर्ष माझी किती आहे हे मला नक्कीच महत्त्वाचं नाही आहे, माझ्याकडे क्रिकेट किती सुंदर आहे, मी चांगला क्रिकेट खेळू शकेल, हे खूप महत्त्वाचं आहे। थँक्यू। तर ऐरोलीचे अमर पाटील साहेब, आपल्याला विनंती असेल आपण या व्यासपीठावर या, आपलं सहर्ष स्वागत A1 जोडीचे शिलेदार सुकेश डाके साहेब आणि निलेश पाटील साहेबांकडून। विनंती असेल अमर पाटील साहेब ऐरोली, आपल्याला आमंत्रित केलं जात आहे सुकेश डाके साहेब आणि निलेश पाटील साहेबांकडून, या व्यासपीठावर या, स्थानापन्न व्हा। ओवर टू कमेंट बॉक्स। धन्यवाद संदीप मोरे। तो विजय भोईर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो घनसोली टीम की पुरानी तलवार है, लेकिन इस तलवार को जंग अभी भी नहीं लगाए। नक्कीच, तलवार जरी जुनी असली तरी देखील धार तशीच आहे, धारधार ही तलवार आहे। आणि काय गोलंदाजी केली मैदानाच्या पण, गोलंदाजी नव्हे तर आगीचे गोळे त्याने का फेकतोय, वेग एवढा नाही आहे, स्विंग आहे आणि याच्यासाठी फिट, नक्कीच फिटनेस व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रिकेट खेळण्यासाठी। मी तर म्हणेल अजय गर, तुमचा फिटनेस महत्त्वाचा आहे, सगळ्या गोष्टी तुम्ही बाजूला ठेवा, तुमचा फक्त फिटनेस तुम्ही चांगला ठेवा, तुम्ही कितीही वर्ष क्रिकेट खेळू शकता। और दुनियाई क्रिकेट में सबसे बड़ा उदाहरण विराट कोहली है, क्या जबरदस्त फिटनेस है उनकी और क्या बल्लेबाजी करते हुए भारतीय कप्तान। संदीप आउट हो चुके हैं, महेंद्र आउट हो चुके हैं, योगेश और विकेश की जोड़ी अब क्रीज पर है। योगेश कोहली के पास स्ट्राइक, तकनीकी दृष्टि से काफ़ी सक्षम माने जाते हैं। नेवर लेकर शौकीन, फुल टॉस चिप किया है, मेडल नहीं कर पाए मेरे ख्याल से, मिड ऑफ पर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन पर गई और यहाँ पर हेजिटेशन है, गलत फहमी, बैट्समैन हो जाएंगे रन आउट, हो गए। तीसरा झटका, पारितोषिकांसाठी आहे ही स्पर्धा चर्चेत, हजार चषकात नाव गाजे क्रिकेट विश्वात, हो सुकेश डाके निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान, हजार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान, भेट एमपी ठाणे जिल्हा, ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणा जिल्हा नव्हे तरी महाराष्ट्राची शान आहे, कारण का महाराष्ट्रभर नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील चर्चा सुरू आहे खासदार ट्रॉफीची, कुठे आहे हा सिद्धिविनायक अंजूरचा ग्राउंड। आणि A1 जोडीने एक्झॅक्टली केले का आहे, पूर्णच्या पूर्ण गाड्यांचा शोरूम इथं मात्र सुरू केला आहे। आणि काय करलपूर टी शर्ट आहेत, फ्रंट लाईट तुम्हाला पाहायला मिळते, ग्राउंड सुंदर आहे, खेळपट्टी विकेट सुंदर आहे, मुख्य व्यासपीठ आहे हा शोरूम, शोरूमचं नाव घेतलं शोरूम समोर आहे, एखादी जाता वेळेस आपल्याला घेऊन जावी लागेल अजय, एखादी ट्राय मारूया आपण, एव्हरेज आपल्याला समजेल कितीचा आहे। बिलकुल, टेस्ट ड्राइव आपको मिलेगा यहाँ पर राहुल, चिंता मत करो। विकेट गिरा है यहाँ पर, तीसरे विकेट का पतन, विकेश आउट हुए, गलत फहमी का शिकार बने, दूसरे अंक के चक्कर में थे, लेकिन वहाँ पर योगेश बिल्कुल भी तैयारी में नहीं थे। मेरे ख्याल से योगेश का कॉल सही था,
कुछ ज़्यादा ही उतावले हो गए वहाँ पर विकेश। ऐसे में देखा जाए तो एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, थोड़ी देर के लिए क्रीज पर टिकना जरूरी था, लेकिन गलती कर बैठे विकेश और रनआउट होकर डायमंड डक पर आउट होकर पवेलियन में लौटे हैं। 4 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और जीतने के लिए 45 रनों की आवश्यकता है नक्षत्रा चौधरपाड़ा टीम को। डायमंड डक मतलब कि एक ही चंडू खेलना नहीं कदाचित विकेश, अति घाई संकटात नहीं इतने गरज होती का मोटा प्रश्नचिन्ह, तालमेल महत्वाचार है तुमसा खेला एकोपा ज्यादा मटल जाता। पुलटॉस आहे चेंडू आणि इतना एक्झॅक्टली काय सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये। विशाल इतना रनआउटच्या माध्यमातून पडतील मैदानाच्या बाहेर। या चुका आणि चुका जे पहिल्या मॅच मध्ये झालं ते आता मात्र या देखील मॅच मध्ये पाहायला मिळतं। एक्झॅक्टली काय करतो नक्षत्र चौधरपाड़ा संघ, ये सिर्फ दबाव का नतीजा है राहुल। दबाव में बुद्धि चलनी ही बंद हो गई है बल्लेबाजों की। इस तरह से आप विकेट्स गिर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से विकेट फेंक दिया है वहां पर। विशाल ने कोई जरूरत नहीं थी, सीधे मिड विकेट के हाथ में खेल बैठे थे और दोनों भी बल्लेबाज देखिए हमने देखा है कि फुल टॉस पर रनआउट हुए हैं। मैं एक वाक्य मानल आता माना लगी वाक्य आठ तुम्हारा समोर को अपन मित्र में गोष्टी का कभी विचार करू ना। तुम्हें तुम्हारा गेम खेला, समोर कुठला खेळाडू आहे, समोर कुठला संघ काय खेळतोय त्या गोष्टीचा जर विचार करत बसले तर तुम्ही मात्र कधी जिंकू शकत नाहीये। तुम्ही विचार करा फक्त जिंकायचा। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विचार करा मला स्वराज्याची निर्मिती करायची आहे, करून दाखवली। समोर कोण आले आहेत, इंग्रज आले, औरंगजेब आले, कोणी आले त्याच्याशी गरज नाहीये। जिंकायचं आहे, जिंकले, करून दाखवलं। इथे करून दाखवायचं असेल तर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही मैदानी खेळ करा, चांगला क्रिकेट खेळावा लागेल। जी हाँ, करके दिखाना होगा और ये अब करके दिखाना होगा नीलेश जाधव और योगेश को, जो दो अनुभवी बल्लेबाज है। नीलेश तो सबसे अनुभवी खिलाड़ी है जहाँ तक नक्षत्रा का सवाल है। और नीलेश जाधव एक ऐसे बल्लेबाज है जो ग्रामीण क्रिकेट में 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के भी लगा चुके हैं। काफ़ी साल पहले उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया था वाफाले के मैदान पर, 5 साल पहले की बात है। लेकिन अब ये खेल कुछ अलग ही है, यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है, दबाव की परिस्थितियां है इस समय। योगेश के पास स्ट्राइक, एक नए सिरे से कहीं ना कहीं खेलना होगा यहां पर। एक स्लिप तैनात की गई है, और इस बार इंप्रोवाइजेशन, फ्लिक किया गया हवा में और पाए गए डीप स्क्वायर लेग पर, कोई गलती नहीं। एक और करारा झटका लगता हुआ नक्षत्र चौधरपाड़ा टीम को, 5वें विकेट का पतन। देखिए थोड़ा सा कलाइयों का उपयोग किया था, लेकिन स्वीप शॉट लगाया था उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए। ज़्यादा ताकत नहीं, जो कि फील्डर से दूर खेलने की ज़रूरत थी, फील्डर से दूर नहीं खेल पाए। जहाँ पर खिलाड़ी था वहाँ पर ही खेल पाए, कैच थमा बैठे, और जो दबाव था उसको योगेश जैसे बल्लेबाज भी नहीं झेल पाए। अच्छा काय मित्र मानेल खेळ सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये, त्यांचा टीम वर्क किती सुंदर आहे। जिथे बॅट्समन खेळणार आहे तिथे त्यांनी क्षेत्ररक्षण तैनात केलं आहे, कुठलीही चुकी इथनं मात्र करायची नाहीये। क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये, आणि इथनं मैदानाच्या आतमध्ये गावदेवी स्पोर्ट्स गणसोली संघ यांना चूक माहितीच नाहीये। बिलकुल सही का आपने, इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास, पुश करना चाहते थे कवर्स में, गेंद बाहरी हिस्सा लेकर बल्ले का चली गई वाइडिश गली में। इस बार एक रन नीलेश जाधव का खाता खुलता हुआ, विकी नंबर 7 पर आए हैं। देखते ही देखते बातों ही बातों में 5 विकेट चले गए हैं और 5 ही रन बने हैं। मी तर म्हणेल हा पूर्णपणे दबाव आहे, दबावामध्ये तुम्हाला मात्र इथं खेळ करायचा नाहीये, दबावाला जुगारून या दरम्यान तुम्हाला खेळ करावा लागेल। या मॅचमध्ये अजूनही खूप काही बाकी आहे, या मॅचमध्ये आता मात्र निलेशला करून दाखवावा लागेल। मी सिनियर खेळाडू का आहे, मी चांगला क्रिकेटर का आहे, हे करून दाखवावं लागेल मैदानाच्या आतमध्ये। खूबसूरत गेंद, पहिली 2 गेंदे फुलटॉस रही थी शौकीन की, लेकिन उस पर 2 बल्लेबाज रन आउट हुए और उसके बाद तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, सही रिदम में अब नजर आते हुए, अपने चिरपरिचित अंदाज में अब गेंदबाजी करते हुए शौकीन। ओवर अंतिम, अंतिम गेंद इस बार ओवर पिच, अच्छा ड्राइव, बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई गेंद जा रही है डिप वाइडिश मिड विकेट पर। हल्का सा फंबल जरूर हुआ है यहाँ पर भी मौका, लेकिन बाल बाल बच गए बैट्समैन। तालमेल की काफ़ी कमी नजर आ रही है बल्लेबाजी में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उचित नजर नहीं आ रही है। सिंगल इस आखिरी गेंद पर, पावर प्ले की समाप्ति। पावर प्ले क्या, ये तो पुअर प्ले रहा बल्लेबाजों के लिए। 6 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। नक्षत्र इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर।
सन्मानीय शेखर तुकाराम पाटिल साहब की ओर से शौकीन के लिए 1000 रुपये का कैश प्राइज इस अच्छे ओवर के लिए। समीकरण आपकी स्क्रीन पर है, 24 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता है, मात्र 5 विकेट बचे हैं। ऐसे में दोहरी चुनौती है राहुल बल्लेबाजों के सामने, विकेट्स भी बचाने हैं, रनों की रफ्तार को भी बढ़ाना है। नहीं आता मात्र स्वतःवरती विश्वास इतना कायम ठेवावा लागेल, इतना स्वतःवरती असलेला नक्की जो विश्वास आहे, स्वतःवरती असलेला भरोसा आहे, तो आता मात्र इथं मिद्यमाने सिद्ध करावा लागेल। आता इथनं काहीतरी वेगळं करावा लागेल, जे काय झालंय त्याचा विचार करत जर बसला नक्षी इलेव्हन सौदरपाडा संघ तर मॅच कधी जिंकून जाईल मैदानाच्या आतमध्ये, गावदेवी गणसोली संघ मात्र वेळ लागणार नाहीये। देखिए इंसान आहे, गलतियां होती रहती है, ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है, आखिर आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है, तो कमियां तो हर किसी में है, उसको भूलना होगा, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार खेलना होगा। घुमा दिया गेंद को हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम, कैचिंग लाजवाब हो रही है, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है गणसोली टीम द्वारा। घनसोली टीम इस समय जीत की तरफ अग्रेसर है और पूरी तरह से बैकफुट पर नक्षत्रा एंटरप्राइजेस सौदरपाड़ा टीम पारी पूरी तरह से लड़खड़ा रही है। जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं ना राहुल, वैसे विकेट्स एक के बाद एक धड़ाधड़ गिर रहे हैं। 6ठे विकेट का नुकसान हुआ है, 6 ही रन बने हैं। रनों और विकेटों के बीच में जो रेस लगी हुई है वो अभी भी जारी है। पहला विकेट 1 पर, दूसरा 3 पर, तीसरा 4था, 5वां 4 पर और 6ठा 6 पर। तू चल में आया, आता प्रत्येकी जण पंचिंग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये, असंच मी तर म्हणेल, आता जिम्मेदारी घ्यावी लागेल, अभी नाही तो कभी नाही, आता नाही तर पुढल्या वर्षी खासदार चषक। केवळ पंचिंग करणे से क्या होगा, काम भी करना होगा तभी पेमेंट मिलेगा। अगली गेंद, ओ इस बार दूर से खेला है मोटा सिरा, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर स्लिप्स की दिशा में, विकेट कीपर ने उठाया था गेंद को, कोई रन नहीं। कुठलीच गोष्ट मी तर म्हणेल चांगली आता मात्र होत नाही मैदानाच्या आतमध्ये। आता देखील बघा धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, इतना निलेश नकार केला, पुन्हा एकदा धोका पत्कारलं होतं खेळाडूनं, मग निलेश सांगतोय थांब, थोडंसं आपण नक्कीच या दरम्यान थांबूया, काहीतरी नक्कीच करण्याचा प्रयत्न करूया नव्याने या मॅचमध्ये। पुढचा बॉल, इस बार लंबा हिट, लेकिन कितना लंबा है, ओ ये भी पहुंची फील्डर तक ही, एक और अच्छा कैच, अर्जुन ने इस बार कैच लिया है, एक भी कैच नहीं छोड़ रहे हैं फील्डर्स। और अंजूर गावात लढा क्रिकेटचा धुव्वा, क्रिकेटचे महाबली गांधवतील मैदान। हा चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावर नाही तर मिड विकेटच्या डोक्यावर खेळायचा होता, मग या दरम्यान इथं झेल पकडला आहे, पूर्णच्या पूर्ण रणनीती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। गेम प्लॅन काय आहे, टीम वर्क काय आहे, 100% कमिटमेंट, तर विकेटसाठी काय नक्कीच पारितोषिक 1000 रुपये आला आहे सन्माननीय शेखरजी तुकाराम पाटील यांच्याकडनं, हा पारितोषिक आला आहे घनसोली च्या। नक्कीच आपण बघतोय दरम्यान जे शिवसेनेचे शाखाप्रमुख देखील आहेत आणि त्यांच्याकडनं हा पारितोषिक सातत्यानं घनसोली टीमसाठी, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे आणि सुंदर खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या। नक्षत्र इलेव्हन टीमला इथनं पाहिजे आहे धावा, धावांचा दुष्काळ, धावा थांबली नक्कीच, धावसंख्या धावपलकावरती थांबली आहे, ब्रेक लागला आहे, धावसंख्या पुढे नेणार कोण, धावसंख्येला लकवा मारलाय मैदानाच्या आतमध्ये। बिलकुल सही शब्द इस्तेमाल किया है आपने, स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है, तमा हुआ है और विकेट्स लगातार गिरते जा रहे हैं, जितने रन्स बने हैं उससे ज़्यादा विकेट्स गवा दिए हैं नक्षत्रा ने, ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा है नक्षत्रा के ऊपर। आज धनेश सॉरी विकी स्पोर्ट्स कुक से जैसी बड़ी टीम ऑल आउट हो गई 20 पर, चेरोबाकोन बी टीम के सामने। शेखर पाटिल ऐरोली घनसोली, शेखर पाटिल घनसोली आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर या, शेखर पाटिल घनसोली आपल्याला विनंती असेल, एवन जोडी आणि अमर पाटील यांच्याकडून आपण या व्यासपीठावर या। शेखर पाटील घनसोली, तर नक्कीच मान्यवरांचं शुभ आगमन, सन्मान्य शेखरजी पाटील जे घनसोली गावचे आहेत या वासप्रवरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे। अगली गेंद ओवर द विकेट,
इस बार टप्पा फटने के बाद अंदर की तरफ आई थी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ टर्न कराते हैं राउंड द विकेट से, तो बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ लाना उनके लिए बिल्कुल उनके बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ के ही गेंदबाज है विजय भोईर। जबरदस्त आपल्याला नक्कीच इतना गोलंदाजी पाहायला मिळते, काय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, म्हणून सीनियर खेळाडू तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे। प्रतीक के पास स्ट्राइक है, प्रतीक क्षमता रखते हैं कि यहाँ से भी वो अपनी टीम को संकट में से उबार सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। इस बार गेंद को खेल दिया है, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे, वाइड स्टिप में डॉन पर फील्डर आते हुए गेंद पर सिर्फ एक रन, इक्का दुक्का रनों से यहाँ से अब बात बनना काफ़ी मुश्किल है। इक्का दुक्का रन तो शुरुआती ओवर्स में चाहिए थे, विकेट्स बचा कर रखने थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विकेट्स गंवा दिए हैं। स्कोर इस समय 7 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, दयनीय अवस्था हो गई है नक्षत्रा एंटरप्राइजेस सौदरपाड़ा टीम की। नाही, इथे काहीतरी सगळं उलटच झालं, इथे विकेट जास्त दिले आणि धावा कमी बनवल्या असंच झालं, कारण का प्रत्येकी मी तर म्हणलेल्या षटकामध्ये विकेट 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 सुरूच आहेत आणि अजूनही ते पडझर सुरूच आहे। थोडासा मात्र खराब की आज नक्षत्र एंटरप्राइजेस 14 पडाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। अच्छा शॉट इस बार स्क्वेअर लेग अंपायर ने अपने आपको बचाया, अच्छे से टाइम किया था बैट्समैन अजय ने एक रन लेते हुए, ओवर इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। बड़ा ही सफल ओवर रहा विजय भोईर का, उनका स्पेल समाप्त हुआ, क्या शानदार स्पेल था ये, केवल 5 रन खर्च किए 2 ओवर्स में और 4 बल्लेबाजों को आउट किया। लाजवाब गेंदबाजी, विजय के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। काय गोलंदाजी, मतलब नवदीत खेळाडूंना या खेळाडूकडून काहीतरी मात्र मी तर म्हणेल शिकण्यासारखं आहे। आता आपण बघतो, आपण जे यंगस्टर आहेत, यंगस्टर एखाद्या मॅच मध्ये खेळले तर लगेचच त्यांची कॉलर मात्र टाईट होऊन जाते, लगेचच मात्र मी तर म्हणेल असं त्यांना वाटतं की आम्ही मात्र महायुद्ध जिंकला की काय तसं होतं। म्हणून तुमच्याकडे जेव्हा सिनियर खेळाडू असतो, सिनियर खेळाडू नक्कीच तुम्ही रिस्पेक्ट करा, सिनियरकडून तुम्ही मान द्या, सिनियरकडूकडनं काहीतरी शिका, सिनियर खेळाडू तुमच्यामध्ये टीममध्ये आहे तर तुमची टीम या दरम्यान प्रगती करू शकेल असं म्हटलं जातं। यस मोरे, ज्यांची काही सूचना आहेत? तर इथे आपण पाहतोय शेखर पाटील साहेब घनसोलीवरून आलेत आणि त्यांच्यासोबत अक्षय पाटील हे देखील आलेले आहेत। तर एवन जोडीकडून आयोजित खासदार चषक 2020 या स्पर्धेत आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय। घनसोली के बल्लेबाजों का बल्ला भी बोला और उनकी गेंद भी बोली, लाजवाब खेल का प्रदर्शन घनसोली टीम द्वारा इस खासदार चषक में। रन बने हैं 8, विकेट गिरे हैं 7, बचे हैं 3 ओवर्स और 3 ओवर्स में बनाने हैं कुल मिलाकर 41 रन। बड़ा ही कठिन काम है। नए ओवर लेकर गेंदबाज शौकीन आक्रमण जारी रखते हुए, ओ बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, इनकी गेंदें तो काफ़ी ज़्यादा शरारत कर रही है। पहले मैच में बहुत खतरनाक बॉलिंग की थी और इस मैच में भी उनका अच्छा फॉर्म जारी है। इस बार कुछ हिम्मत जुटाई थी बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, लेकिन जैसे ही देखा कि बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर निकले हैं अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज किया था। इस बार लाजवाब गेंदबाजी, बल्ले पर नहीं ले पाए वहाँ पर बैट्समैन अजय। 3 गेंदें खेलिए, 1 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों में एक रन बनाया है प्रतीक ने। कोई भी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाया, ये अच्छा शॉट है लेकिन ज़्यादा रन्स नहीं मिलेंगे। हेलीकॉप्टर उड़ाया था डीप मिड विकेट पर, केवल 1 रन। रन्स आ रहे हैं तो भी सिंगल्स में आ रहे हैं, चौके छक्के नदारत है। अब ये सवाल है सीमा रेखा है या लक्ष्मण रेखा है? नहीं, साधा मात्र सीमा रेषा कधी पार होईल? आमचे नाईक सर देखील चमसेचे अंपायर आहेत, ते देखील मात्र स्पर्धेस दरम्यान आनंद घेत असताना त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे। नाईक सरांचं देखील सातत्यानं बघतो आपण, खूप साऱ्या मॅचेसेस आपल्याला येत आहेत, मात्र ते फक्त आपल्याला बघायचे आहेत, रीड करायचे आहेत। पुढे सर्वांचंच हार्दिक स्वागत आहे अजय। ओ ये निकल गई गैप में, नहीं रोक पाए फील्डर शॉट फाइन लेग के, और ये महत्वपूर्ण चौका, थोड़े से दिशाहीन हो गए गेंदबाज और पहली बाउंड्री, चलिए लक्ष्मण रेखा तो नहीं है ये साबित हो गया है, क्रॉस कर दिया है सीमा रेखा को बैट्समैन ने। ये देखिए लेग स्टंप की तरफ थी गेंद, डाइव लगाई वहाँ पर शॉट फाइन लेग के फील्डर ने, अपने आप को झोंका लेकिन उनके पहुँच से थोड़ी सी बाहर थी, आउटफील्ड काफ़ी तेज है, महत्वपूर्ण बाउंड्री। नाही, सात चौकार खूप व्यासानंतर आपल्याला मात्र पाहायला भेटला, स्कोरबोर्डवरती सांगितल्याप्रमाणे लक्ष्मण रेखा तर नाही आहे तर सीमा रेखा आता मात्र पार करायची होती। थोडंसं खराब काय, पहिल्या मॅचमधून खूप काही शिकण्यासारखं होतं नक्षत्र एंटरप्राइजेस 14 पडा टीमला, कारण का पहिल्या मॅचमध्ये थोडंसं खराब काय झाला होता। ओ ये भी लेग स्टंप के ये बाहर चली गई है, वाइड है, अंपायर वाइड घोषित करते हुए।
लगता है कि स्टंप्स पर निशाना साधने का प्रयास हो रहा है, थोड़ी सी लालच मिल रही है वहाँ पर बॉलर को, क्योंकि बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिशाहीन हो रहे हैं। एंगल जो क्रिएट हो रहा है, राउंड द विकेट बॉलिंग हो रही है, वो गेंद को लेग स्टंप के बाहर लेकर जा रहा है, और ये पहला अतिरिक्त रन इस पारी का। इससे पता चलता है कि कितनी डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं घनसोली के गेंदबाज। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले मैच में जो गलतियां हुई थी उनसे कुछ सीखा नहीं है नक्षत्रा के बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा शायद ये ही सीखा है कि पहले मैच में रनआउट हुए थे, रनआउट नहीं होना है, इस मैच में कैच आउट ज़्यादा हुए हैं। नहीं नक्की सर, जास्त चुकत आणि मी तर म्हणेल मुकादम सर थोडंसं जो काम आहे तो अवघड तो मात्र सोपा केला, कारण का शून्य लिहिण्यासाठी जास्त दूर जावं लागत नाही, चौकार किंवा षटकारीसाठी जास्त दूरवरून यावं लागतं। मग आता थोडंसं मध्ये ते कमी बिझी आहेत, कारण का शून्य हा आकडा आपल्याला जास्त पाहायला मिळतोय। मग आता नक्षत्र इलेव्हनला आम्ही नक्की सगळं सांगू की हरकत नाहीये, प्रयत्न करा, प्रयत्न सुरू ठेवा। यावेळेचा चेंडू अजून एक चांगला आहे, प्रत्येकी गोलंदाजाने चांगली कमिटमेंट, म्हणूनच कदाचित संघनायक मगाशी नक्कीच त्यांनी वर्णन केली की आम्हाला 11 बाई जिंकायच्या आहेत, त्यांच्याकडे जर असा काही असेल, अशी जर गोलंदाजी असेल, स्वप्न बघावं तर मोठं बघावं आणि ते देखील उघड्या डोळ्याने बघावं। चिपकिया गेंद को, फील्डर तो बहुत दूर है, यहाँ पर एक रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास जरूर रखेंगे अगले ओवर में बल्लेबाज प्रतीक। 6 पर खेलते हुए प्रतीक, 2 पर खेल रहे अजय। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 15 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 6 पर 7 विकेट गिरे थे तो एक थोड़ी सी पार्टनरशिप बन रही है, 9 रनों की पार्टनरशिप, देखना है कितनी लंबी जाती है। और मैच का नतीजा जो हमें ऐसे लग रहा है स्पष्ट होता हुआ, क्या उसमें कुछ बदलाव हो जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। वैसे खेल क्रिकेट का है। थैंक यू, मी विनंती करतो या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा सुकेश डाकी साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते, आपण सन्मान्य आदरणीय शेखर पाटील साहेब घनसोले यांचा शुभ सन्मान करावा। मी विनंती करतोय सुकेश डाकी साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते, आपण शेखर पाटील साहेब घनसोलीवरून आलेले अतिथी आहेत आणि त्यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती। नक्कीच मान्यवर, आपल्याला मोठ्या संख्येने आपल्या व्यासपीठावरती पाहायला मिळत आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। पराभव झाला म्हणून प्रयत्न सोडणार आयुष्यात कधीच मात्र पुढे जात नसतं, आणि पराभवाच्या नंतर जो यश मिळतो तो मात्र खूप काही सांगून जातं, खूप काही शिकून जातं आपल्याला। एक पराभव झाला म्हणून थांबू नका, खचून जाऊ नका। थँक्यू। तर मान्यवरांना महाराष्ट्राचं महावस्त्र, शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धे अविस्मरणीय अशी आठवण आपण बघतो। सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा मान सन्मानपूर्वक इथे शुभ सन्मान होतोय। त्याचप्रमाणे अक्षय पाटील यांना देखील विनंती असेल, आपण देखील पुढे यावं, आपला देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा आदरणीय सुकेश डाकी साहेबांच्या शुभ हस्ते होतोय। अजून एक बॅट्समन आउट, चांगला क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो मैदान अश्वतमध्ये। कावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली टीमच्या माध्यमातून जो पूर्णच्या पूर्ण आपण जर खेळ बघितला, पहिल्या इनिंगमध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे, कारण का पहिल्या इनिंगमध्ये आपण गोलंदाजी बघितली होती, म्हणून तोच अनुभव अजय गरत यांनी देखील लावला की 40+50 गेला तर गोलंदाजी चांगली आहे। कारण का आता जर आपण मॅचेस जर आपण बघितला गेला तर तुमची गोलंदाजी जर चांगली असेल तर तुम्ही 49 काय की 36 धावांनी देखील सामना जिंकू शकाल, ते चिरूबा कोण संघाने करून दाखवलं। म्हणून ज्याच्याकडे गोलंदाजी आहे तो मात्र या खाद्या चषकामध्ये सरस आहे। बिलकुल, और अच्छी बॉलिंग के साथ अच्छी फील्डिंग का होना भी जरूरी है। गेंदबाजी यदि दिल है तो फील्डिंग उसकी धड़कन है। क्या बात है अजय, पूरी तरह से पिछले पाव पर चली गई है नक्षत्रा। 15 रन बने हैं, 8 विकेट्स गिरे हैं, और लगता है कि ये मैच जल्दी समाप्त होने वाला है। 2 ही विकेट्स बचे हैं, बॉलर की कोशिश रहेगी अर्जुन की कि इसी ओवर में काम तमाम कर दिया जाए। पुढचा बॉल यावेस अजून एक चांगला आहे, चांगली गोलंदाजी, मिनिट टू मिनिट गोलंदाजी केली जाते आहे, जे संघनायकाने सांगितलं आहे त्याची मात्र पूर्णशा पूर्ण काळजी घेतली, त्याची संघनायकाने सांगितलं आहे त्याच नक्कीच अनुभवाने आपल्याला मित्र म्हणेल आपल्याला खेळ करायचा आहे। टीमचा कॅप्टन खूप महत्त्वाचा, तुमचा टीमवर्क खूप इम्पॉर्टंट असतो आणि ते आपल्याला पाहायला भेटतो मैदानाच्यामध्ये। गती कमी केल्या, ऑनसाईडला फटका हवेत खेळलेत, खेळाडू उपस्थित आहेत, चूक कसली होते मैदानाच्यामध्ये। गावदेवी घनसोली टीमला मात्र चुका माहितीच नाहीयेत, इथे पकडला अजून एक झेल, परतावा लागेल बॅट्समॅनला मैदानाच्या बाहेर, विकेटचे बटन बॅट्समॅन आउट। जी हाँ, ऐसे लगता है कि इनकी डिक्शनरी में गलती नाम का कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही अच्छा कैच, बाउंड्री लाइन पर एक से बढ़कर एक कैचेस देखने को मिले हैं, बॉलर्स की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पूरी तरह से ये मैच झुक गया है,
घनसोली टीम के पक्ष में। आखिरी जोड़ी क्रीज पर मात्र 15 रन बने हैं, लगता है इस टूर्नामेंट का लोवेस्ट टोटल भी देखने को मिलेगा। 20 रन विकी स्पोर्ट्स ने बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी टीम चरोबा कोन बी के विरुद्ध। 36 रन चरोबा ने बनाए थे, 37 का ही टारगेट था उस मैच में। और जैसे कि हमने पहले भी आकलन किया था, सिद्दीक जी ने भी कहा था कि 50 मैजिक टोटल है। नितीश अब्दाला पाहला मी मैदान शॉट मध्ये, अप्रतिम अशी कामगिरी। पुढचा बॉल स्विचचा फटका, खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क अजिबात आला नाहीये, डॉट बॉल। चांगली गोलंदाजी, प्रत्येकी गोलंदाजाने इम्प्रेस केला आहे, जिम्मेदारी घेतली, जबाबदारी घेतली आहे आणि प्रत्येकाने प्रत्येकाची जबाबदारी घेतली आहे, तर तुमचा संघ नक्कीच चांगली कामगिरी करील। ते पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये। पुढचा बॉल भाइयों की जोडी है क्रीज पर, हवा में गेंद, फील्डर लॉन्ग ऑन के नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत दूर है। पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए खिलाड़ी, एक रन सिंगल की मदद से स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 16 रन। दीपक और भूषण ये दो भाई क्रीज पर है और आखिरी जोड़ी के रूप में 16 रन बने हैं, अभी भी 33 चाहिए, केवल 7 गेंदे शेष है। मिशन अनपॉसिबल है, विकेट जर असत्या तर काहीतरी होऊ शकलं असतं। आणि या दरम्यान संयमाने क्रिकेट घेत असताना आता मात्र इतना घाई केली जात नाहीये, विकेट्स ऑलरेडी मात्र गेले आहेत 9, लाउट मात्र व्हायचं नाहीये अनुषंगाने, मात्र संयमानं हा क्रिकेट खेळत असताना 6 चेंडू आहेत। आता बघूया त्या 6 बॉलमध्ये काय होतोय, लाउट पासून नक्कीच या दरम्यान वाचलं जाईल का नक्षत्र असं, मात्र हाच प्रयत्न असेल की 6 च्या 6 चेंडू आपण डिफेन्स करूया। आणि एका बाजूने प्रयत्न असेल गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली टीमचं की आम्ही 10 च्या 10 खेळाडूंना बात करू। जी बिल्कुल, इतना अच्छा काम किया है घनसोली टीम के गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने, तो पूरी टीम को ठिकाने पर ही क्यों ना लगाया जाए, ये सोच रहे होंगे अभी घनसोली के गेंदबाज। एक विकेट तो चटकाना है, 6 गेंदों में चाहिए 32 रन नक्षत्रा चौधरपाड़ा टीम को इस मैच को जीतने के लिए। समय के मामले में प्लीज सहयोग करें घनसोली के कैप्टन, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें। ये आज रात का सेकेंड लास्ट मैच है और इस मैच की विजेता टीम तुरंत अगले मैच में आपको एक्शन में नजर आएगी। विलासमृति राहणाल के विरुद्ध उनका मैच होगा। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उमेश के कंधों पर, अपील लेकिन इस बार अंपायर ने ठुकरा दिया है, फिर भी मौका तो है रन आउट का। ओ, ये निशाना चूक गया, रन पूरा। थोड़ी बहुत रोचकता इसी बात में बची है कि टीम ऑल आउट होगी या नहीं। रन आउट सर आपण नक्की साता माता यादव उल्लेख केला, तर एकूण 4 खेळाडू बाहेर झाले होते रनआउटच्या माध्यमातून पहिल्या मॅचमध्ये नक्षत्र 11 सौदेपाड्या टीमच्या माध्यमातून। आणि आता रनआउट नकोय असा काही खेळाडू कक्षामधून एखादा आवाज देखील झाला जोरानं, थांबून खेळा तुम्ही, संयम आता माझ्या स्वतःमध्ये ठेवा। फेलेत पण एकदा हवेत मिस टायमिंग झालाय, झेल सोडणं डिक्शनरीमध्ये नाहीये। आणि इथनं सामना फिनिश, लाउट पूर्णच्या पूर्ण संघाने की आपल्याला पाहायला भेटला आणि मॅच मात्र जिंकली मैदानाच्या आतमध्ये गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली टीम ने सामना जिंकला। मोठी मॅच आहे आता, मात्र एक रंग दर आपल्याला मॅच नक्कीच पाहायला मिळेल। एका बाजूने विलास मोदी क्रिकेट संघ राहणार आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आता मात्र खेळणार आहेत गावदेवी स्पोर्ट्स घनसोली। कुठे जाऊ नका, अप्रतिम मॅच आहे, आम्ही लगेचच टॉस करणार आहोत, टॉस नंतर आम्ही मॅन ऑफ द मॅच देखील इथनं देणार आहोत, मात्र मॅन ऑफ द मॅच आहे मुकादम, आम्हाला माहिती देतीलच या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच। लाईनअप होऊनच कृपया आपण मैदानातून निरोप घ्यायचा आहे, लाईनअप करून सेकंड करा, विनंती असेल दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंना। आणि घनसोली संघाचा कर्णधार कृपया त्वरित आमच्या VIP डाईस जवळ यायचा, घनसोली संघाचा कर्णधार, घनसोली संघाचा कर्णधार, घनसोली संघाचा कर्णधार, आपण यायचं इकडे प्लीज, वेळ नाही आमच्याकडे, घनसोली संघाचा कर्णधार। यस संदीप मोरे सर, या ठिकाणी सामनावीर खेळाडू आम्ही जाहीर करतोय, सामनावीर खेळाडू आहे विजय भोईर। 2 षटकांमध्ये 5 धावा खर्च करत असताना 4 गडी तब्बल बाद केले, अप्रतिम लेफ्ट आर्म गोलंदाजी पाहायला मिळाली। विजय तुम्ही यायचं आहे व्यासपीठाकडे, तसेच शौकीन यांच्यासाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक, विजय यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे कॅश प्राईज, तसेच अर्जुनने जो षटकार लगावला होता त्यासाठी त्याला देखील 1500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे, 500 रुपये विकास स्मृती ग्रुपकडून आलेले आहेत, 101 500 रुपये, आणि शेखर पाटील साहेब आणि संतोष पाटील यांच्या माध्यमातून हे कॅश स्वरूपाचे प्राइजेस आलेले आहेत। तर